नई अनाज मंडी की दुकान में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पद्मनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरियादी नरेंद्र सिंह चौहान निवासी बाहेती कॉलोनी खंडवा नई थाना पद्मनगर में रिपोर्ट किया और उसकी नई अनाज मंडी की दुकान में दिनांक 30-31 जुलाई 2024 की रात में अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान के पीछे की दीवार को तोड़कर दुकान में घुसकर दुकान में रखी मूंग की 3 बोरियां जिसमें 40-40 किलो मूंग जिसकी कीमत करीब 10,000 थी इसे व्यक्ति चुरा कर ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 244/24 धारा 305A और 331(4) BNSS का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। खंडवा शहर में बढ़ती संपत्ति संबंधी अपराधों के मामले में रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र तारणेकर के निर्देशन में पुलिस नगर अधीक्षक श्री अरविंद सिंह तोमर के मार्गदर्शन में थाना पद्मनगर में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनाज मंडी में हुई दुकान में चोरी वाले संदेही व आरोपी विजय उर्फ चिल्टू पिता मायाराम निवासी सम्मति नगर खंडवा, आकाश पिता मानक राठौर निवासी दादाजी वार्ड महालक्ष्मी चौक खंडवा, दीपक पिता रंजू मुजालदे निवासी रघु किराना के पास संजय नगर खंडवा, शिवा पिता राधेश्याम निवासी नई अनाज मंडी के पास दादाजी वार्ड खंडवा एवं दिनेश पिता नन्नू ध्रुवे निवासी महालक्ष्मी चौक दादाजी वार्ड खंडवा को अभिरक्षा में लेकर थाने आए और पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी में की गई मूंग की 3 बोरियां जिसमें 40-40 किलोग्राम की 3 बोरियां कुल वजन 120 किलो मूंग कीमती करीब 10,000 रुपए का बरामद किया गया। उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 24 अगस्त को माननीय न्यायालय में पेश किया गया जिन्हें न्यायालय द्वारा जेल भेजकर वारंटी जारी कर जेल भेजा गया। खंडवा से तनिष गुप्ता की खास रिपोर्ट।